बधाई हम सभी लोग को देते हैं और साथ साथ उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र सिंह जी और जो सभा सचिवालय से पदाधिकारी कर्मचारी को आज जो सम्मानित प्राप्त है उनको ही बधाई हम देना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं और ये लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा 23 साल की सफर तय कर चुकी है। जब नई नई झारखंड राज्य बनने के बाद विधानसभा कहां बनाया जाए और जहां बना लेकिन जो पुरानी विधानसभा है उस विधानसभा में और आज एक भव्य विधानसभा हमें मिला है। मैं अपने आप में आत्मवचन मंथन करते हैं और इन 23 सालों में जहां हमारी विधानसभा थी वहां लगातार हम लोग ने विधायी के कार्य विधानसभा के सारी कार्य हम लोग निष्पादन किए और आज भी करते आ रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उन दिनों को अगर हम याद करें और आज के दिनों को याद करें तो कहीं ना कहीं मुझे तो फर्क दिखाई दे रहा है। यह फर्क जो दिखाई दे रहा है तो मुझे ना कहीं महसूस होता है कि जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो धीरे धीरे कमजोर की ओर जा रहा है और विधायक जो है वो भी कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, हम चुन कर क्यों आते हैं, हमारे क्या काम है, इन सारी बातों हमें ध्यान रखना होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि जब चुनाव की समय होती है तो हम लोग जन जन के पास जनता के बीच में जाकर जनता के आश्वासन देते हैं और उन्होंने तथ्य की निगाह से ये आशा और भरोसा के साथ हमें विधानसभा में भेजते हैं ताकि हमारे क्षेत्र के काम निष्पादन हो, हमारी झारखंड खुशहाल हो, यही सोच और विचार के साथ हमें देते आ रहा है। और इसमें हम कितना कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं इस बात को भी हमें ध्यान देना होगा। मेरा विधानसभा में सिर्फ सत्ता पक्ष का काम ये नहीं होता है कि विधायक को पारित करना या जो फाइनेंशियल काम होता है उसको पारित करना, बल्कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सारे लोगों की जो प्रश्न उठते हैं उसको भी हमें जवाब देना है, चाहे वो ध्यानाकर्षण हो, चाहे तरंकित हो, चाहे प्रशिक्षित हो, चाहे गैर सरकारी संकल्प हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे जीरो आवर हो, सारी चीजों उठकर वहां पर आती है और उसका जवाब हमें देना पड़ता है। तो क्या वो जवाब हम ले पाते हैं, क्या हमारी जो प्रश्न होता है, जो प्रश्न हमारे जो आते हैं हाउस में, क्या सारे के सारे प्रश्न के जवाब हमें मिलता है, लेकिन हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा में हम शरीक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं वो भी हमें देखना होगा। मुझे उन दिनों की याद है कि जब 40 या 45 तारंकित अल्पसूचित आते थे तो हम देखते थे ये करीब करीब 15-20 क्वेश्चन हम लोग वहां पर जो निष्पादन होता था और जो विधायक चाहते थे अपने बात को रखते थे और उसका सरकार जवाब देती थी और आने वाले दिनों उस समय काम भी हुआ करते थे। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह की जो है प्रश्न होता है, अल्पसूचित भी होता है तरंकित भी होता है। एक राज स्तरीय मैटर जो राज की समस्या है तो सारे विधायक का यह प्रॉपर्टी है कि सारे राज्य का जब बात होता है तो हम ही उसी राज्य का उसी क्षेत्र का हम पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी जो क्वेश्चन होता है तो हम किसी पंचायत की बात करते हैं, किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं या किसी गली या नाला या सड़क की बात करते हैं जो हमारी जिला हमारी विधानसभा में जो हमारी कमी है उस बात को उठाने के हम काम करते हैं। लेकिन उस दिन भी देखा जाता है कि चारों तरफ से एक पंचायत की छोटी सी प्रश्न को लेकर घेरने में समय व्यतीत होता है और हम उस काम को आगे नहीं अंजाम दे पाते हैं। इसलिए हम भी विधायक हैं, आप भी विधायक हैं और इस आज जो है विधानसभा परिसर में और जिसका हम कहते हैं कि एक मंदिर है और सर्वोच्च न्यायालय है जहां पर हमें जो है विधायक करने के काम का मौका मिलता है, इसलिए हमें
एक बात को ध्यान में रखना होगा कि हम मिलजुल कर जो है इस विधानसभा को गरिमा को कायम रखें, हम इस ऐसे परंपरा का हम कामयाब शुरुआत करें ताकि ये पूरे देश में एक मैसेज जाए कि झारखंड विधानसभा में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एकजुट होकर सभी काम का निष्पादन करने के लिए एक आगे बढ़ के काम करते हैं। आज हम कहेंगे कि हमारे जो परिस्थिति है वो हम देखते हैं, ये चरित्र में जो होता है दोनों जो है एक ही साथ रहने के बाद भी अलग रहते हैं फिर हम एक साथ भी रहते हैं। तो हमारी जो यहाँ परंपरा है उस परंपरा को हमें कायम करना होगा। हमारा आप जानते हैं, सारे विधायक जानते हैं कि आज जो हमारे लोकतंत्र में हमें जो मिला है कुछ हमें पूर्वज से पहले से भी हमें मिला, जो परंपरा से भी मिला है उस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, इतिहास में भी हम लोग देखे हैं कि किस तरह विधानसभा लोकसभा चलाने के लिए हमारे पुराने नेता जो काम करते थे वो सोचते थे कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर गलत होता है तो विपक्ष के नेता उस बात को उठाएंगे और निश्चित तौर पर उसे ग्रहण करके काम करेंगे, लेकिन वो माहौल आज शायद नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में जब प्रधानमंत्री के रूप में वो जब आए थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने लाने की काम किए थे, वो कोई सदन के नेता नहीं थे लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाने के काम इसलिए किए थे कि ताकि जो भी कमी सरकार का हो वो बात उठाएंगे, वही बात वो लोग उठाते थे। तो ये सारी चीजों को दृष्टांत है और ये दृष्टांत हमें मानकर चलना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के काम और कार्यवाही को बाधित करके हमारी झारखंड की छवि खराब नहीं होने देना चाहिए। ये सभी विधायक सभी मंत्री सभी लोगों को यह दायित्व बनता है। मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो विधायिका हो चाहे न्यायपालिका हो या चाहे कार्यपालिका है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन 3 स्तंभ में जो है ये सब जो है एक दूसरे का पूरक के रूप में काम करते आ रहे हैं। हमें लगता है इसमें व्यवधान भी कम नहीं है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा का नाम और रोशन आगे बढ़े, हम पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सब मिलजुल कर झारखंड की सलाहित के लिए झारखंड के उज्जवल लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए झारखंड के विकास के लिए हम समर्पित भावना से विधानसभा में अपनी बातों को रखेंगे और उसका निष्पादन करने की हम एकजुट कर काम करें तो निश्चित तौर पर झारखंड विधानसभा का नाम पूरे देश में नाम होगी। यही सोच और विचार के साथ मैं अपनी भावना अपनी बातों को आपके सामने रखने की काम किए हैं और अंत में पुनः आप लोगों को झारखंड विधानसभा का 23वीं स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई ढेर सारी शुभकामना शुक्रिया धन्यवाद। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं पिकनिक स्पॉट, जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी बर्थडे मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची।